गाइस आप सभी का स्वागत है स्टार्ट इनवाइट पे। दोस्तों फाइनली 2K सब्सक्राइबर मेरा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच आप सभी के सपोर्ट करने के लिए। दोस्तों आज का जो वीडियो जो टॉपिक है काफी ही मजेदार टॉपिक है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि IPL बैटिंग एप्लीकेशन बनाने में कितना खर्चा आता है। आपने दोस्तों जितने भी एप्लीकेशन बनाए हैं बैटिंग के ऊपर जो एप्लीकेशन आपने बनाया है उस पर अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं क्योंकि अभी तो IPL चालू हुआ आप सभी को पता है। लेकिन दोस्तों आप बैटिंग की वेबसाइट्स भी बना सकते हो। अगर दोस्तों आप बैटिंग की वेबसाइट्स बना रहे हो तो उस पर भी अच्छा खासा आपको रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। ठीक है, अगर आप वेबसाइट बनवा रहे हो या एप्लीकेशन बनवा रहे हो तो एप्लीकेशन भी अर्निंग होती है। लेकिन एप्लीकेशन के बारे में दोस्तों मैंने आपको लाइव डेमो दिखा दिया है कि दोस्तों उस एप्लीकेशन को बना के जो उसकी API आपको बाय करनी पड़ेगी वो मंथली रहती है। इसके बारे में मैंने आपको भी बता दिया था कि मंथली जो API रहती है वो कहाँ से बाय की जाती है। ठीक है, लेकिन दोस्तों ऐसे काफी जो लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर मुझे वेबसाइट्स भी बनानी है, तो दोस्तों मैंने सोचा कि दोस्तों आज जो वीडियो है मैं आप सभी के लिए एक वेबसाइट पे वीडियो बनाऊं कि IPL का आप वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, कोई भी क्रिकेट एप्लीकेशन की वेबसाइट से आप कैसे अर्निंग कर सकते हो। दोस्तों आपको पता ही होगा ElevenHub.in ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स है क्रिकेट की जहां पे लोग बैट लगा के रेवेन्यू जनरेट करते हैं। दोस्तों आप भी वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों एप्लीकेशन से ज्यादा महंगा जो API रहती है वो आपकी वेबसाइट्स की आ जाती है जहां पे आप मंथली अपना एंटिटी से बाय कर रहे हैं। अगर API बाय कर रहे हैं तो वहां पे मंथली 7000 आता है। दोस्तों वही आपका वेबसाइट्स पे दोस्तों डायरेक्ट 14000 रुपीस आ जाता है क्योंकि दोस्तों वहां पे ऑड्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे जो मैचेस क्रिएट होती है और वेबसाइट की API अलग बाय की जाती है और एप्लीकेशन की API अलग बाय की जाती है। दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा क्योंकि जो आपका एप्लीकेशन में यूज करते हैं वो आप वेबसाइट्स की API में नहीं यूज कर सकते क्योंकि दोनों के अलग अलग रहते हैं। अगर आपको बाय नहीं करना है, API का एक सोल्यूशन और है, अगर आपको API बाय नहीं करनी है तो आपके जो डेवलपर रहेंगे उनको API बनानी पड़ेगी, लेकिन वो इतना फिजिबल नहीं रहता है। एक्चुअली दोस्तों ये बोल सकते हैं कि वो जो लाइव API हम लोग बाय करते हैं और जो आप बनाएंगे जो कोई भी डेवलपर बनाएंगे वो दोनों मैच नहीं कर पाता है क्योंकि वो लाइव API जो वहां से पास होती है उसको समझने करने में काफी समय चला जाता है। तो इससे अच्छा आप लाइव API ही बाय करें कि आपकी एप्लीकेशन के लिए ज्यादा ही प्रॉफिट और वेबसाइट के लिए भी ज्यादा ही प्रॉफिट रहेगा। दोस्तों देखिए जो हमने अभी वेबसाइट डिजाइन रेडी किया है, दोस्तों वेबसाइट डिजाइन दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि अभी जो बीच में जो मेरा वीडियो नहीं आ पा रहा था एटलीस्ट कम से कम 10 to 11 days तो अभी यहाँ पुणे में लॉकडाउन चल रहा है तो सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और बर्डन काफी होने के कारण वीडियो कंटिन्यू नहीं आ पाया था। आपको पता है कि मैं वीडियो हमेशा कंटिन्यू डालता था लेकिन 10 to 11 days के कारण अभी मैं बीच में वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों आपको इसके आगे वीडियो मेरा कंटिन्यू देखने मिलेगा और जितनी भी हमने एप्लीकेशन वेबसाइट जितनी भी हमने अभी वर्क की है वो सब चीजों के बारे में आपको मैं अच्छे से और ब्रीफ में आपको कंटिन्यू मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए मैं आपको जो हमने वेबसाइट रेडी की है मैं आपको वेबसाइट का एक डेमो दिखा देता हूँ। और API दोस्तों कंपल्सरी ही बाय करना था, API ज्यादा बाय करेंगे ज्यादा ही प्रॉफिटेबल रहेगा। और दोस्तों आप जो एप्लीकेशन में अर्निंग करते हैं क्रिकेट बैटिंग एप्लीकेशन में अर्निंग करते हैं वो भी एप्लीकेशन हमारे पास रेडी है। अगर दोस्तों आपको उसको एप्लीकेशन का डेमो देखना होगा तो दोस्तों फोन कीजिए आपको डेमो देखने मिल जाएगा। एंड सेकंड वन थिंग ये है, अगर आपको वेबसाइट में इंटरेस्टिंग है, हमने दोनों पे वर्क किया है एप्लीकेशन प्लस वेबसाइट, तो वेबसाइट का दोस्तों आपको मैं लाइव डेमो दिखाने वाला हूं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो आई होप दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वेबसाइट का डिजाइन और सबने क्या क्या वर्क किया है वो भी तो आप सभी के सामने देखिए बैटिंग वेबसाइट्स है। ठीक है, ये यहाँ पे बैटिंग वेबसाइट की ये लिंक है हमारी, एक कस्टमर को हमने डिलीवरी किया है। तो दोस्तों लॉगिन स्क्रीन देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके का रहेगा। अब मैं आपको यहाँ पे लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो पेस्ट कर दिया मैंने और यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। साइन इन करने के बाद दोस्तों आप सभी के सामने यहाँ पे आ रहा है, ये देख रहे हैं ये बॉक्स में इन प्ले लीजिए, उसके बाद अपकमिंग सेटिंग, यहाँ पे रूल्स रहेंगे, पासवर्ड और गेम्स अगर डालना हो तो यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर टूर्नामेंट भी करवाना है यहाँ से टूर्नामेंट भी करवा सकते हैं। और ये यूज़र जो लॉगिन करेगा उसका नाम यहाँ से आ जाएगा, क्लिक करने पर प्रोफाइल सेटिंग और यहाँ पर लॉगआउट का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम हटा लेते हैं यहाँ से और यहाँ पे क्लिक करने पे होम एंड शेड्यूल दिख जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बैटिंग वेबसाइट पे यहाँ पे दिखाता हूँ इन प्ले पे करके। अभी यहाँ पे कोई लाइव मैच नहीं हमने नहीं डाला इसलिए इन प्ले में यहाँ पे शो नहीं करेगा। ठीक है, ये देखिए इन प्ले पे मैंने क्लिक किया
करंट नो मैचेस अवेलेबल, तो अगर मैं एनी पैंस डालूंगा तो यहाँ पे ऑलरेडी शो करने चालू हो जाएंगे मैचेस। तो मैं वन स्टेप बैक लेके दिखाता हूँ, और जो यहाँ पे सेकंड वन ये रहेगा, अगर जो भी मैचेस आपने लगाए बैट लगाए, जो विनर है, कितने मैचेस क्या है, सब दिख जाएगा, डेट, टाइमिंग, वोमिंग, एंट्री, राजस्थान रॉयल्स एंड पंजाब, उसके बाद क्रेडिट कितना हुआ, डेबिट कितना हुआ, बैलेंस कितना आपके पास है, और यहाँ से अगर आपको रिचार्ज का रिचार्ज भी कर सकते हैं, अगर आपके विड्रॉल करना चाहते हैं विड्रॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ का। अब जो अपकमिंग मैच आने वाली है, तो इसके अंदर वो कस्टमर को शो करेगा किसी को बैट लगाना होगा, तो मैंने क्लिक कर दिया। तो ये दोस्तों आपकी अपकमिंग मैचेस हैं जो लाइव एपीआई पास करती है, तो ये वेबसाइट की पूरी लाइव एपीआई जो अपकमिंग में आने वाली है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करके दिखाऊंगा, लेकिन अपकमिंग है तो कोई शो नहीं करेगा वो। और यहाँ पे रूल्स पे आ जाते हैं, जो भी आपकी वेबसाइट्स के रूल्स रहेंगे कोई भी कस्टमर यहाँ पे उसको अच्छे से पढ़ पाएगा वो, ठीक है। हिंदी में करना चाहता है हिंदी में, इंग्लिश में रीड करना चाहता है इंग्लिश में, मल्टीपल लैंग्वेज यहाँ पे दी हुई है। तो बैक करते हो, और यहाँ से आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ये देखिए आपकी जो वेबसाइट से पासवर्ड रहती है, करंट पासवर्ड, जो भी जो पासवर्ड रहेगा पासवर्ड यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ गेम्स के बारे में, अगर और गेम्स डालना डाल सकते हैं, नीचे टूर्नामेंट डालना चाहते हैं टूर्नामेंट भी और करवा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे फाइनली सेटिंग है, तो वेबसाइट दोस्तों कोई भी वेबसाइट इतनी ही बड़ी होती है, ज़्यादा बड़ी होती नहीं है। ये देखिए सेटिंग में आपको अदर सेटिंग, अदर्स लैंग्वेज, ये सब चीज़ें यहाँ पे देखने मिल जाती है, जो दोस्तों आपका मेन रहता है। मेन रहता है आपका इन प्ले, और यहाँ पे अपकमिंग, और यहाँ पे लीजेंड, ये तीन रहते हैं, ठीक है। इन प्ले में जो करंट मैचेस चल रहे हैं, लीजेंड जो आप कितने बैलेंस जीते, किस में मैचेस लगाए, पूरी हिस्ट्री वहाँ पे देख जाएगी। अपकमिंग में जो मैचेस प्ले होने वाले हैं दोस्तों, तो वेबसाइट का पूरा लुक यही है। और इसका यूआई भी अगर आप चाहते हैं चेंज सकता है, लेकिन इसका यूआई पे हमने काफ़ी अच्छे से वर्क किया है, काफ़ी थोड़ा अच्छे से दिया है। और इसकी लाइव एपीआई, सब खेल दोस्तों लाइव एपीआई पर रहता है, ठीक है। लाइव एपीआई बाय करेंगे, इंटीग्रेशन करके देंगे, और पेमेंट गेटवे दोस्तों आपका इसके अंदर लगा के देंगे, पे आउट जो भी रहेगा, कि कस्टमर कोई भी पेमेंट करेगा तो आपके किस वैलेट में आना चाहिए, जो भी आप पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करेंगे वो सीधा उसमें ही जाएगा। सेम दोस्तों यही है एप्लीकेशन में भी, एप्लीकेशन की एपीआई बस अलग बाय करनी पड़ती है, और वेबसाइट की एपीआई अलग बाय करनी पड़ती है। दोस्तों अगर किसी को भी इस वेबसाइट के बारे में और नॉलेज लेना है, तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर रहेगा, आप हमें फ़ोन कीजिए, और इस वेबसाइट के बारे में आपको फुल्ली इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आई होप दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।